हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस प्रेगनेंसी सीरीज वीडियो में। आज मैं बात करूंगा प्रेगनेंसी में कितने टीके लगते हैं उसके बारे में। वेलकम माई चैनल। चलिए बात करते हैं प्रेगनेंसी के टीके के बारे में। पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी में कंपलसरी वैक्सीन के बारे में। प्रेगनेंसी में कंपलसरी वैक्सीन टिटनेटॉक्साइड है, जिसे टीटी भी कहा जाता है। टिटनेटॉक्साइड के दो डोज होते हैं, जिसे प्रेगनेंट महिला को दिया जाता है। नंबर फर्स्ट वैक्सीन है TT1। पहला टीका गर्भावस्था के पता चलने के तुरंत बाद लगाया जाता है। दूसरा है TT2। दूसरा टीका एक महीने बाद लगाया जाता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि टिटनेटॉक्साइड तो चोट लगने में इंजेक्शन में लगाया जाता है, तो इसको प्रेग्नेंट महिला को क्यों लगाया जाता है। प्रेग्नेंट महिला जब बच्चा पैदा करती है तो गर्भनाल को काटा जाता है सीजर या किसी अन्य वस्तु से, तो इससे किसी भी प्रकार के बच्चे पर या प्रेग्नेंट महिला पर असर न पड़े, इसलिए टिटनेटॉक्साइड का टीका लगाया जाता है। दूसरा वैक्सीन है कोर्टिकोस्टेरॉइड। यह वैक्सीन बच्चे के फेफड़े को मजबूत बनाता है। जब माँ किसी भी कारण से डेथ हो जाती है तो बच्चे अपने फेफड़े के दम पर सांस ले सके, इसलिए इस वैक्सीन को लगाया जाता है। तीसरा वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। यह वैक्सीन रहने के लिए कंपलसरी वैक्सीन नहीं है, लेकिन ये विंटर में आप प्रेग्नेंट है या आपको सर्दी जुकाम होता है तो इस वैक्सीन को अवश्य लें। ये तीनों वैक्सीन आपको सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन को ले सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में आपको वैक्सीन मुफ्त में मिल जाता है, वह प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 वैक्सीन का आपको 100 से 150 रुपये लग सकता है। आप कहीं भी ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। वह मेरे प्रेगनेंसी सीरीज वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। वो आपके मन में किसी भी प्रकार की क्वेश्चन हो तो कमेंट करें।